हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज का टॉपिक है और इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट को किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं वो बताऊंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है वीवो का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कर देना है। इसी पर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है और टच नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और सॉरी फ्रेंड्स, टॉर्च नोटिफिकेशन इस प्रकार से ऑफ होता है, इस प्रकार से ऑन होता है, दोनों को ऑन कर लेंगे इसी प्रकार से। एंड यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसे जरूर पढ़ें आप। जैसे कि ये तभी आपका वर्क करेगा अगर कैमरे का स्क्रीन ऑफ है, तो आपके पास कोई कॉल आता है उस समय तो आपका फ्लैश लाइट जलेगा। वैसे भी इनकमिंग कॉल तभी दिया जाता है जब आपके पास कोई कॉल आता है, तो आपका फ्लैश लाइट जलेगा तभी जब आपके पास कोई कॉल आएगा। एंड मैसेज में भी इसी प्रकार से होता है, जब आपके पास कोई मैसेज आता है तब मतलब आपका फ्लैश लाइट जलेगा। एंड अगर आपको मतलब कि अगर आपका स्क्रीन ऑन है तब आपके पास कोई कॉल आता है, ये ऑन है, ये भी ऑन है यहाँ से, और तब भी और स्क्रीन भी ऑन है। इस समय जैसे कि इस समय अभी आपके पास कोई कॉल आ जाती है तो आपका फ्लैश लाइट नहीं जलेगा। अगर स्क्रीन ऑफ है इस प्रकार से तो आपका आपके पास अभी इस वक्त कॉल आ जाता है स्क्रीन ऑफ में और फ्रेंड्स, तब आपका फ्लैश लाइट जरूर जलेगा। अगर आपने स्क्रीन का ये रख रखा है और ऑन करके रख रखे तो आपका नहीं आएगा कॉल, मतलब कि मतलब जो आपका है ब्राइटनेस वो नहीं होगा। एंड इन दोनों को ऑन कर लेंगे तभी इसको यूज़ कर सकते हैं, वैसे नहीं। और फ्रेंड्स, ये तभी यूज़ किया जाता है जब स्क्रीन ऑन, अगर स्क्रीन ऑन है तो ये ब्लैकिंग मतलब कि नहीं होता ये। एंड अगर स्क्रीन ऑन ऑफ है तो आपका फ्लैश लाइट जलेगा, अगर ऑन है तो नहीं जलेगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन ऑफ करके ही तब आप ट्राई कर सकते हैं कॉल करके। एंड मैं जरूर चलते हैं इनकमिंग कॉल फ्लैश लाइट और इसी प्रकार से इसका यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार। फ्रेंड्स, इसके लिए सॉरी बाहर से कोई सो रहा है तो।